नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर व्यू कैमरे के बारे में। लेकिन इस कैमरे की क्वालिटी को जानने से पहले आपने मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखा होगा स्टारलाइट कैमरास के बारे में कि स्टारलाइट कैमरास क्या होते हैं, कहाँ पर उनको यूज करना चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, आई बटन में भी है, आप जाकर वो वीडियो आप देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम कलर व्यू कैमरे के बारे में बात करेंगे कि कलर व्यू कैमरास क्या होते हैं, उनको कहां पर यूज करना चाहिए, उसमें क्या टेक्नोलॉजी है, कहां पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कहां पर उनको सजेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पूरा कलर व्यू और फुल कलर कैमरा के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा आज के इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं। बेल आइकन की जो बटन है उसको दबाइए ताकि आपको मेरे जो वीडियो की अपडेट है वो कंटिन्यूसली मिलते जाएं। मैं नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, गैजेट्स के बारे में वीडियो बनाता रहता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और लगे कि आपको ये वीडियो किसी और के साथ में शेयर करना चाहिए जिससे उसका बेनिफिट होगा या फिर उसका नॉलेज बढ़ेगा, तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। कलर व्यू कैमरा, कलर व्यू जो नाम दिया है वो हिकविजन ने नाम दिया है। हिकविजन की जो सीरीज है कलर व्यू के नाम से, इसी तरह से दहुआ ने फुल कलर कैमरा के नाम से इस सीरीज को स्टार्ट किया है। एग्जैक्टली इस चीज को समझते हैं कि कलर व्यू कैमरे की जरूरत क्यों पड़ी। हम जो रेगुलर नाइट विजन के अंदर जो कैमराज यूज करते हैं वो IR कैमराज होते हैं, जो कि जिसका लक्स लेवल होता है 0.01, 0.02 समथिंग। तो जब भी लाइट लो लाइट होती है, जैसे लाइट डार्क होती है, मतलब लो लाइट हो जाती है, अंधेरा जैसा हो जाता है, तो उसको जो IR कट फिल्टर होता है कोई भी कैमरे का, वो ऑन होता है। और वो जैसे ही ऑन होता है तो इंफ्रारेड लाइट जो होती है वो ऑन हो जाती है, और वो जैसे ही ऑन होती है इंफ्रारेड लाइट, तो आपका जो विजन है, आपको जो फुटेज मिलती है CCTV कैमरा की, वो ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। तो जब वो फुटेज जो है जब ब्लैक एंड वाइट हो जाती है तो कई क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि उनको उस ब्लैक एंड वाइट इमेज के अंदर परफेक्शन चाहिए, उनको कलर इमेजेस चाहिए ताकि वो उस चीज को इजीली आइडेंटिफाइड कर पाए। फॉर एग्जांपल कोई कार जा रही है तो कार का जो कलर है हम उसको आइडेंटिफाइड कर पाए, वरना कार जा रही है रेड कलर की लेकिन आपको दिखाई देगा वहां पर वाइट या फिर ब्लैक कलर, ये दो ही कलर ब्लैक एंड व्हाइट में IR के अंदर आपको आइडेंटिफाइड होता है। तो जब काफी सारे इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी तो कंपनी ने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा इजाद करें, हम कुछ ऐसा कुछ नया लेके आए मार्केट के अंदर जिसके अंदर हम रात में भी कलर जैसी पिक्चर दे पाए। तो इसीलिए इस कैमरे का आविष्कार हुआ, इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, इसको बोलते कलर व्यू। स्टारलाइट भी इसी तरह का कैमरा है, लेकिन हम लास्ट में इसके डिफरेंस के बारे में समझेंगे कि स्टारलाइट कैमरा में क्या अलग है और कलर व्यू कैमरा में क्या है। तो कलर व्यू के बात करें तो कलर व्यू के अंदर भी सेम स्टारलाइट कैमरा की तरह लक्स का जो लेवल होता है वो 0.005, मतलब अप्रॉक्सीमेट जीरो की तरह होता है। तो उसके अंदर आपको लो लाइट में होने के बावजूद भी आपको कलर इमेज मिलेगी, और उसके साथ में जैसे ही 0.005 लक्स का लेवल हो जाता है और लाइट जब इससे भी डाउन जाती है तो वहां पर एक कैमरे के अंदर एक LED दी हुई है, मतलब एक छोटी सी बल्ब दिया हुआ है, वो बल्ब ऑन हो जाता है। तो जैसे ही वो बल्ब ऑन होता है तो उस रूम के अंदर एक जीरो बल्ब की तरह एक प्रकाश आ जाता है, लाइट वहां पर पड़ने लगती है, वो क्लियरली आपको दिखाई देती है। जैसे कि IR के अंदर क्या होता है कि एकदम डॉट 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 सी रेड या फिर ब्लू तरह की जो IR LEDs होती है वो आपको दिखाई देती है, जिससे आपको उजाला नहीं दिखाई देगा। लेकिन कलर व्यू लगाने के बाद में आपके रूम के अंदर, आपने जहां पर भी उस कैमरे को प्लांट किया है वहां पर आपको उजाला दिखाई देगा, और उस जो LED यानी कि वो जो बल्ब कैमरे के अंदर दिया हुआ है उसके अंदर आप करीबन 30 से 40 मीटर का एरिया इजिली कवर कर सकते हैं। मतलब कि ये जो कैमरा है इसके अंदर और कोई टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं है, इसमें एक बल्ब दिया हुआ है, बल्ब के थ्रू एक स्टारलाइट जैसी इमेज, मतलब जो हमारा मून होता है मून के जैसी एक बारीक रोशनी होती है, और उस रोशनी के अंदर उसके अंदर 0.005 का लक्स है, तो उस वजह से हमें कलर विजन पूरा का पूरा नजर आता है। तो यही है कलर व्यू कैमरा एंड फुल कलर कैमरा जो दहुआ ने बनाया। अब आप ये पूछेंगे कि यही चीज तो सेम स्टारलाइट कैमरा में भी है, तो हम कलर व्यू कैमरा दें या फिर स्टारलाइट कैमरा दें। तो यहां पर मैं आपको दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा। हमेशा
स्टारलाइट कैमराज जो हैं वो बेटर होंगे कलर व्यू कैमरे से। कलर व्यू कैमरे को सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि उनको रात के अंदर कलर इमेजेस चाहिए, और वो जो कलर इमेजेस हैं वो आपको 30 मीटर की रेंज के अंदर आपको मिलेगी, और उस कैमरे के अंदर जो बल्ब है वो उतने ही एरिया में काम करेगा। उसके अंदर कोई भी आईआर कट फिल्टर नहीं दिया हुआ है, कोई इंफ्रारेड लाइट्स वहां पर जो एलईडीज होती है वो नहीं दी हुई है। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे ही लो लाइट होगी तो लो लाइट के अंदर आपके कैमरे की जो पिक्चर की क्वालिटी होगी उसके अंदर आपको हल्के 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 डॉट्स दिखाई देंगे। मतलब एक जो शार्प पिक्चर आनी चाहिए वो पिक्चर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। हाँ, कलर पिक्चर ज़रूर मिल जाएगी। अगर इसी की कंपैरिजन में स्टारलाइट कैमरे के साथ में करूँ तो स्टारलाइट कैमरा में भी 0.005 का लक्स है, वहाँ तक तो वो आपको एक अच्छी कलर इमेज दे देता है, लेकिन जब लाइट इससे भी डाउन होती है तो इसमें आईआर कट फिल्टर है और आईआर एलईडीज हैं, तो उस वजह से शार्पनेस और पिक्चर की जो क्वालिटी है वो स्टारलाइट कैमरा में बढ़ जाती है, कलर व्यू कैमरा में नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो बल्ब दिया हुआ है और बल्ब की एक लिमिटेशन है, वो बहुत ज़्यादा दूर तक प्रकाश नहीं फेंक पाएगा। अगर वो प्रकाश दूर तक जाएगा नहीं तो आपके जो कैमरे को जो फुटेज चाहिए एक अच्छी क्लैरिटी की वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो कलर व्यू कैमरे कहाँ पर सजेस्ट करने चाहिए? कलर व्यू कैमरा ऑलवेज ऑफिस इन्वायरमेंट जहाँ पर एरिया छोटा हो। आप आउटडोर में इसको सजेस्ट मैं मानता हूं कि नहीं करें, क्योंकि अगर जब भी हम आउटडोर के अंदर कैमरा लगाते हैं, बाहर की तरफ कैमरा लगाते हैं, तो वहां पर हमारे पास में एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उस बड़े एरिया के अंदर वो छोटा सा बल्ब इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। नो डाउट आपको कलर इमेज देगा, लेकिन जो इमेज के अंदर आइडेंटिफिकेशन जो हमें चाहिए होते हैं वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे। तो वहां पर आपको आउटडोर के अंदर स्टारलाइट कैमरा यूज करना चाहिए। और कोई रूम है, कोई ऑफिस है, आपके घर के अंदर का एरिया है, ऑफिस के अंदर का एरिया है, तो अंदर के एरिया के अंदर जहाँ पर क्लाइंट को लगे कि यार मुझे तो यहाँ पर कलर इमेज ही चाहिए, मुझे ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा, वहाँ पर आप कलर व्यू कैमरे को सजेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर ये बहुत बेहतर और बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, आपका क्लाइंट हैप्पी रहेगा। अगर कहीं पर भी आपने गलती से इसको अगर आउटडोर में सजेस्ट किया, अगर वहाँ पर लाइट का जो लेवल है वो बहुत डाउन गया तो आपको अच्छी इमेज नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम खराब हो सकता है कि आप, हमने तो कलर कैमरा लिया है फिर इतनी अच्छी फुटेज क्यों नहीं मिल रही है। तो आपको वहां पर स्टारलाइट कैमरा यूज करना चाहिए। तो यही था हमारे आज इस वीडियो के अंदर कि कलर व्यू कैमरा क्या होते हैं, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मैं स्टारलाइट यूज करूं या कलर यूज करूं। तो इतना सा ही डिफरेंस है। आपको सजेस्ट करना है आपके क्लाइंट को कि आपको कौन से कैमरे यूज करने चाहिए। वही मैंने बताया कि जो प्राइस में जो डिफरेंसेस हैं वो इतने ही हैं, 5% 10% डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि 15%, और अलग अलग मॉडल्स के ऊपर कि कौन सा मॉडल कितने मेगापिक्सल का आप ले रहे हो। अगला मेरा पूरा वीडियो PTZ कैमरा के ऊपर होगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपका प्यार मेरे साथ में इसी तरह से बना रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि आपका नॉलेज बढ़े। और अगर आपके पास में इससे बेटर नॉलेज है तो मुझे कमेंट में लिखे, श्योर मैं इस चीज़ को आगे लेके जाऊँगा, इसके बारे में स्टडी करूँगा, और अगर मेरी कोई गलती है तो मैं इसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी करूँगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ में एक नई टेक्नोलॉजी को लेकर। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।